हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पाया की रेसिपी लाई हूँ। आप सभी जानते हैं पाया टेस्ट में, हेल्थ में भी बहुत अच्छा होता है। बच्चों को आप खिलाएंगे तो सर्दी नहीं पकड़ती जल्दी। तो ये पाया की ग्रेवी की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप पाया को इस तरीके से धो लीजिए। थोड़ी सी मेहनत है क्योंकि इसमें हल्के हल्के बाल होते हैं, लेकिन अगर आप गेहूँ का सूखा आटा मिला लीजिए, उसके बाद आप इसे धो लीजिए तो बहुत ही क्विक साफ़ हो जाता है। अब हम यहाँ निकालेंगे मसाला, जिसमें हमने लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची लिया है। 8 से 10 हरी मिर्ची लिया है और उसमें हमने दो बड़े टमाटर डाल दिया है और हमने लिया है जीरा और काली मिर्च। जीरा भी हमने एक टीस्पून लिया है और काली मिर्च भी हमने आधा टीस्पून लिया है। और जो लाल मिर्ची है वो हम अपने टेस्ट के अनुसार लेंगे और हल्दी इसमें डाल के मिक्सी जार में पीस लेंगे। तो यहाँ हमने पीस लिया है। पीसने के बाद अब हम इसे अपने पायक के में मिला लेंगे। तो सारे ही मसाले को इस तरीके से हम पाया में मिला लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे लगभग पाँच बड़े प्याज, मीडियम साइज़ के हमने यहाँ लिया है, इसमें हम खड़े ही डाल देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने खुशबू के मसाले। हमने यहाँ छोटी इलायची, बड़ी इलायची और दालचीनी ऐड किया है। आप लौंग और तेज़पत्ता भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा क्वान्टिटी में। और अब हम यहाँ डालेंगे नमक अपने टेस्ट के अनुसार और इसमें हम डाल देंगे पानी। यहाँ मैंने लगभग 2 ग्लास सबसे पहले पानी ऐड किया है। उसे अच्छे से आप मिला लीजिए, पहले ऊपर नीचे कर लीजिए। पाया का जो ग्रेवी होता है वो थोड़ा पतला अच्छा होता है, इसलिए पानी आप ज़्यादा ही ऐड करिए। तो यहाँ मैंने फिर से आधा ग्लास पानी और ऐड कर लिया है। लगभग मैंने 1.5 लीटर पानी यहाँ ऐड किया है और इसे हम पकने के लिए रख देंगे। तो गैस पे सबसे पहले आप फुल आँच पे 1 सीटी आ जाए, उसके बाद आपको स्लो आँच पे 30 मिनट्स पकाना होगा। मतलब धीमी आँच पे आपकी जितनी भी सीटी आए, लेकिन 30 मिनट तक आपको पकाना होगा। तो आप देख रहे हो मैंने 30 मिनट तक पका लिया है और मेरा पाया गल भी चुका है और ग्रेवी आप देख रहे हो कितनी पतली है। ग्रेवी जब पतली होती है तो वही अच्छा होता है। और पाया को इस तरीके से टच करके देख सकते हैं कि आपका पाया गला है कि नहीं। मेरा पाया का जो गोश होता है वह अच्छे से गल चुका है। अब हम इसे भगाड़ लेंगे। भगाड़ने के लिए हमने पैन लिया है और थोड़ा सा आप ऑयल डाल दीजिए, लगभग आधा कप से भी कम ऑयल डालिए। और इसमें हम डालेंगे 1 ऑनियन चॉप करके, उसे हम फ्राई कर लेंगे। जब वो ब्राउन हो जाएगा तो उसमें हम पाया को पलट लेंगे। तो आप देख रहे हैं मेरा यहाँ प्याज ब्राउन हो चुका है अच्छी तरीके से। अब हम इसमें पाया की ग्रेवी ऐड कर लेंगे। तो यह हमने पाया की ग्रेवी ऐड कर लिया है। अब हम इसे उबलने तक पकने के लिए रख देंगे धीमी आंच पे। इसे ढक के आप 10 मिनट तक पका लीजिए। तो 10 मिनट के बाद आप इसे ओपन कर लीजिए और ये मेरा पाया की ग्रेवी तैयार है। आप देख रहे हो कितना इंस्टेंट और कितना झटपट, कोई मेहनत नहीं है इसे बनाने के लिए। अब हम इसे सर्विंग बोल पर ले लेंगे और कोथमीर से आप इसे गार्निश कर लीजिए। और ये मेरी पाया की ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। आप इसे रोटी से एंजॉय करिए, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। इस तरीके का रेसिपी अगर आप ट्राई करेंगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।